हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मधुकर अटैक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंग्स। अक्सर गाड़ी में लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ फॉल्ट दिखाई देते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है सेंसर सप्लाई 1 या सेंसर सप्लाई सर्किट 2, सेंसर सप्लाई सर्किट 3, 4, 5, 6 तक हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं और हमें यहाँ पर यह समझ में नहीं आता कि इनमें हमें करना क्या होता है। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि एक्चुअली में सेंसर सप्लाई 1, 2, 3 सर्किट का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर हमें कैसे कैसे काम करने चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंसर सप्लाई सर्किट 3 के बारे में। इसमें हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे, इसमें हमें 5 वोल्ट सप्लाई किस किस सेंसर पे जाएगी, इस फॉल्ट कोड के ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारी सेंसर सप्लाई 1 और सेंसर सप्लाई सर्किट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप के दिल में इस वीडियो संबंधित कोई भी डाउट हो, आप उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर देख रहे हैं, आप बेझिझक होकर इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं कि हमें इस वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आई है प्रॉपर, उन चीज़ों को हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेम्बरशिप प्लान लेना चाहते हैं, तो भी पूरी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक है सेंसर सप्लाई 2 सर्किट। अगर आपको कभी किसी भी फॉल्ट कोड में जो वो कौन से फॉल्ट कोड है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, अगर आपको सेंसर सप्लाई 3 सर्किट देखने को मिलता है तो इस में हमें ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारा जो इशू से 5 वोल्ट सप्लाई आएगी वो वायर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है। वो है कौन से सेंसर का? वो हमारा क्रैंक साफट सेंसर होता है, पोजिशन एंड स्पीड सेंसर होता है, जो हमारा डम्फर पुली होती है रेडर के पास में, जो मेन पुली होती है उसके ऊपर आपको ये सेंसर लोकेशन मिल जाएगी। जो हमारा J1 का कपलर है उसका 20 नंबर पिन से, J1 वाला कपलर यानी इशू का छोटे वाले कपलर से 20 नंबर पिन से हमारी 5 वोल्ट सप्लाई क्रैंक पोजीशन सेंसर के ऊपर, क्रैंक साफट के सेंसर के ऊपर 1 नंबर पिन के ऊपर जाएगी। और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इशू के 18 नंबर पिन से हमारा ये सेंसर के 2 नंबर पिन पर जाएगी। तो पहली जो हमने 2 वीडियो देखी थी जिसमें हमने सेंसर सप्लाई 1 और 2 में बात करी थी, तो उसमें हमारी जो 5 वोल्ट सप्लाई थी वो 3 अलग अलग सेंसरों में जाती थी, लेकिन हमारे ये जो 20 नंबर की है ये सिर्फ एक ही सेंसर में जाएगी, तो इसलिए आपको सिर्फ यही एक सेंसर की ही वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें सेंसर सप्लाई 3 सर्किट देखने को मिलता है तो इसके साथ में हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको किसी भी फॉल्ट कोड के डिस्क्रिप्शन में सेंसर सप्लाई 3 सर्किट देखने को मिले तो हमें सिर्फ एक इसी सेंसर की 5 वोल्ट सप्लाई चेक करनी है या हमारा ये सेंसर भी शॉर्ट हो सकता है। अगर हम फॉल्ट कोड की बात करें तो इसमें जो फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेगा फॉल्ट कोड 0238 और 0239 और दूसरा जो फॉल्ट कोड होगा हमारा 239। तो इन दोनों फॉल्ट कोडों में से कोई भी एक आपको फॉल्ट कोड देखने को मिल सकता है सेंसर सप्लाई 3 सर्किट के डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो अगर आपको ये फॉल्ट कोड देखने को मिल रहा है तो सीधे सबसे पहले अगर ये एक्टिव में आपको देखने को मिल रहा है तो इसको शॉर्ट तरीके से करने का तरीका, आप इसका कपलर हटा दीजिए और फॉल्ट कोड को रिफ्रेश करके देखिए। अगर हमारे ये दोनों में से जो भी फॉल्ट कोड आ रहा है वो हमारा इनएक्टिव हो जाता है तो सीधी सी बात है हमारा सेंसर खराब है। और अगर इसको हटाने के बाद हम फॉल्ट कोड को रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा ये फॉल्ट कोड एक्टिव में ही रहता है, तो मतलब हमारा जो 5 वोल्ट सप्लाई ही कहीं पे शॉर्ट हो रही है। तो आपको इशू के 20 नंबर से सेंसर के 1 नंबर पिन पे
पाँच वोल्ट सप्लाई को प्रॉपर चेक करना होगा, या तो ये हमारा किसी भी अर्थ के साथ वायर के साथ में शॉर्ट हो रहा होगा, या हमारा कहीं पे इंजन के साथ भी रगड़ खाया हुआ मिल सकता है। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर आपको किसी फाल्कोन के डिस्क्रिप्शन में सेंसर सप्लाई सर्किट 3 देखने को मिलता है तो हमें उसमें कौन कौन से सेंसर में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार चेक करना है। अगर फिर भी आपके दिल में कोई डाउट है तो बेझिझक होकर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आप हमारा मोबाइल नंबर देख रहे हैं, आप इसके ऊपर भी हमसे डायरेक्टली इस मैटर में बात कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारा मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट हमसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।